सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बर्तन ले ली हूँ और उस बर्तन में मतलब कि एक टोप ले ली हूँ। टोप में मैं एक कटोरी मूंग दाल ले ली हूँ और एक कटोरी उड़द का दाल है, और इसको मैं दोनों को ले ली हूँ, इक्वल ली हूँ, बराबर ली हूँ। और अब मैं इसको दो पानी से धो लूँगी। ये देखिए, अब इसको छान लेना है पानी को। और ये देखिए, दो पानी इसमें इस दाल को धो ली हूँ। अब इसमें मैं पानी डाल के और 4 से 5 घंटे के लिए मैं इसको रख दूंगी, अच्छी तरह से ये फूल जाएगा। और 4 घंटा हो गया है दाल भिगोए हुए, और मैं दाल दिखाने से पहले मैं पानी बना ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 1.5 गिलास के लगभग मैं पानी ले ली हूँ एक टोप में, और इसमें डाल दी हूँ 1 बड़ा चम्मच काला नमक और 1 बड़ा चम्मच डाल दूँगी इसमें जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, और इसको इस तरह से मिला लेंगे और इसको एक साइड रख देंगे। और ये देखिए, 4 घंटा होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि दाल कितना अच्छा ये फूल चुका है। और अब मैं ये पानी में से इसको दाल को निकाल लूंगी मिक्सी के जार में। थोड़ा थोड़ा पीसना है, पूरा एक साथ नहीं पीसना है। और अगर आपको ये बहुत टाइट लग रहा है पीसते वक्त दाल को, तो इसमें थोड़ा सा आप पानी मिला सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे अगर पीस सकते तो ऐसे पीस लीजिए। तो मैं यहाँ पे अब पीसने जा रही हूँ। मशीन को रोक रोक के, मिक्सर को रोक रोक को रोक रोक के पीसना है आपको, लगातार पीसना नहीं है। और ये देखिए, बिना पानी डाले ये देखिए मैं पीस ली हूँ। और अभी मैं इस बर्तन में इसको दाल को निकाल लूँगी। और ये देखिए, सभी दाल को मैं पीस करके एक बर्तन में निकाल ली हूँ। और देखिए अभी मैं क्या करूँगी, ये देखिए, लेकिन अभी मैं इसको फेटूँगी, हाथ से ही आपको फेटना है, किसी मशीन से नहीं फेटना है। अगर मशीन से पीस फेटना चाहते तो फेट सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से ही करूँगी। तो हाथ को अच्छी तरह से आप साफ कर लीजिए और इसको इस तरह से एक ही डायरेक्शन में इसको इस तरह से घुमाते हुए फेट लेना है। कम से कम 20 से 25 मिनट तो आपको फेटना ही फेटना है। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, 5 मिनट हुआ है आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये कितने देर बाद गिर रहा है। तो ऐसे नहीं चाहिए, मुझे और फेटना है इसको। और ये देखिए, 20 मिनट हो गया है और मैं आपको दिखा रही हूँ कितना ये फ्लफी हो गया है, कितना ये फूल गया है फेटते वक्त। और मैं ये कटोरी में पानी ले ली हूँ थोड़ा सा, और पानी में डाल के आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए, पानी में डालते वक्त ही जैसे पानी में मैं डाली वैसे तुरंत ऊपर आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छी तरह से ये फूल गया है और फेटा भी अच्छा गया है, तो अब फेटना नहीं है। और अब मैं यहाँ पे ले ली हूँ थोड़ा सा किशमिश, और अब मैं इसको एक एक
वड़ा बनाऊंगी तो एक एक ये किशमिश को बीच में डालूंगी। और तेल में पहले से रख दी थी गरम होने के लिए, तो अब मैं ये देखिए इसमें तेल में इसको धीरे धीरे इसको डालूंगी। और इसको मीडियम पे आपको फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना है। और ये देखिए एक तरफ ये हो गया है, इसको पलट लूंगी। और ये देखिए हो चुका है, इसको अब निकाल लेना है तेल में से। और ये देखिए सभी को मैं फ्राई कर ली हूँ, और मैं एक तोड़ के आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा ये बना हुआ है। ये देख लीजिए अंदर कितना जाली जाली बना हुआ है, बहुत सॉफ्ट बना है, बहुत अच्छा बना है। और अभी ये जो मैं जीरे वाला पानी पहले बना करके रखी थी, ये भल्ले को मैं इसमें डाल दूंगी वड़े को। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह से रख दूंगी और अच्छी तरह से फूल जाएगा। तो ये देखिए ये अच्छी तरह से ये फूल गया है। और इसको थोड़ा सा पानी इसको इस तरह से निचोड़ लेंगे और ये प्लेट में रखते जाएंगे। और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा दही, ये मीठा दही है। उसके ऊपर हरी चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी, और यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, और अमचूर पाउडर है, काला नमक है, चाट मसाला है, ये सभी को इसमें डाल देना है। थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डाल देना है। और ये देखिए दही भल्ला बनके तैयार हो गया है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसे वीडियो लगा आपको ये, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले। थैंक यू। Thank you.